हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज के बारे में और आरआरबी पीओ में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीलिम्स में, उन सीरीज को यहां पर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास नंबर 13 होगी। लगभग यहां पर मैंने 15 क्वेश्चंस लिए, तो क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहां पर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग रॉन्ग नंबर को कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में करेंगे आरआरबी पीओ के प्री के 2017 वाले क्वेश्चंस, और बीच में कुछ 5 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे जो कि मिसिंग वैल्यूज के ऊपर है। सारे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो ठीक है, आप इनको एक बार अटेम्प्ट करना, ओके। और इनको देखना कि कितने टाइम में 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं, उसको नीचे रिप्लाई भी करना कि मेरे इतने क्वेश्चन सर ठीक हुए, ठीक है। सबसे पहले रॉन्ग नंबर की ओर मूव करते हैं। देखो, क्वेश्चन आपके सामने ये है, 3601, 3602, 1803 और 604, 154, 36 और 12। इसमें पता करना है कि कौन सा नंबर जो है वो आपका रॉन्ग है, कौन सा नंबर यहाँ पर गलत है। तो देखो, इसका मैं एक फंडा बता दूँ क्या होता है। रॉन्ग नंबर को जब बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया होता है तब तो बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर मैं कह दूँ 3601 गलत है तो आप सीरीज का मूवमेंट कैसे बनाओगे। लेकिन आप ध्यान रखना कि कभी भी पूरी सीरीज में आपको कोई ना कहीं पर सिमिलर पैटर्न जरूर मिलेगा। रॉन्ग नंबर में ये होता है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, 3601 है, फिर ये 3602 हो गया। तो आपके माइंड में तुरंत एक कंसेप्ट ये आ जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 3601 में एक की मल्टीप्लाई करो और फिर 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो यार ऐसे भी आप कर सकते हो, 3601 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 कर दिया तो मुझे कितना मिल गया, 3602। अब देखो अगली बार क्या हो रहा है, डायरेक्टली 3600 से 1800 हो गया, ओके। तो हाफ हो गया, 3600 का हाफ हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये भी सोच सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार हाफ हो जा रहा हो। तो देखो, 3600 जो 2 है इसका मैंने हाफ कर दिया, ठीक है, इसका मैंने हाफ कर दिया। और इसमें हाफ करने पर देखो कितना आया, पहले ये देख लो, 1801 1801 आया। यहाँ पर रिजल्ट कितना, 1803 है, इसका मतलब 2 ऐड हुआ इस बार, तो आपका ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है। मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई की, 1 ऐड किया, फिर हमने उसका हाफ कर दिया उसके बाद, ठीक है, फिर हमने इसमें 2 ऐड कर दिया। अब देखो 1803 से ये क्या हो रहा है, ये इसका 1/3 हो जा रहा है, मतलब लगभग 3 से डिवाइड ये हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1803 को 1/3 कर दूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो ये आएगा आपका 601। अब यहाँ वैल्यू कितनी हो रही है, 604 हो रही है, तो यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है। तो एक पैटर्न मुझे मिल गया, पहले क्या हो रहा है, कंप्लीट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1/2 से हो रहा है, फिर 1/3 से हो रहा है, हर बार 1, 2, 3 ऐड हो रहा है। तो इस बार 4 ऐड होगा, और जो 604 है इसकी मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो मतलब 1/4 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो पहले 1 करा, फिर मैंने उसका आधा कर दिया 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। तो अब 4 से देखो ये आ जाएगा 151 टाइम्स, तो 151 में अगर आप 4 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 155। तो यहां पर कितना दिया है, 154। तो ये हो गया रॉन्ग, और इसकी जगह नंबर क्या आना चाहिए, 155। अब एक बार आप चेक करके देख लो कि अगर 155 ठीक है तो क्या होगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे और इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो देखो 5 से 3 बार 31 हुआ, 31 प्लस 5 36 हो रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। ये पैटर्न आपका मल्टीप्लाई के टर्म्स में हम इसको एक बार समझ सकते हैं। वैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि 3601 है, 2 बनाने के लिए क्या किया, डिवाइड बाई 1, ठीक है, प्लस 1 कर दिया। यहाँ पर क्या किया, डिवाइड बाई 2 करा, प्लस 2 कर दिया। यहाँ पर क्या, डिवाइड बाई 3, प्लस 3। इसी तरह से डिवाइड बाई 4, प्लस 4, ठीक है। और ये क्या है, डिवाइड बाई 5, प्लस 5। आगे क्या होगा, डिवाइड बाई 6, प्लस 6, ठीक है। तो ये आपका जनरल पैटर्न यहाँ से ओरिजिनेट हो जाता है। तो अगर आपको ये मल्टीप्लाई वाला ठीक लग रहा है वो भी ठीक है, ये तो हम एक स्टेटमेंट लिखकर इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा आपको 15 सेकेंड, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखते हैं कि एक बार अप्रोच यहाँ पर क्या अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पर लिखा है 4, 12, 42, 196, 1005, 6066, ठीक है, और इसके बाद में है ये 42511, ये एक ही साथ लिखा हुआ है यहाँ पर 42511, ठीक है, 42511 जो है ये एक साथ पूरी कंप्लीट एक ही डिजिट है। तो आप ये देखो, डिफरेंस लेने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 से नंबर स्टार्ट हुआ और इतना बड़ा 42511 तक पहुँच गया। कुछ आपको देखना होगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो यार, आपके माइंड में एक आ रहा होगा कि 4 में अगर मैं डायरेक्टली 3 की मल्टीप्लाई करके आप स्टार्ट करते हो तो आपको 12 तो मिल जाएगा, फिर आपको 3 के बाद 4 करना होगा, तो यहाँ पर आएगा 48, लेकिन यहाँ दिया है 42, तो ये 3 और 4 वाला अप्रोच तो नहीं काम करेगा। फिर कुछ आपको और देखना होगा, 4 से 12 बनाना है। आपके माइंड में एक ये भी आ रहा होगा कि 4 इंटू 2 कर दिया 8,
और मैंने 4 को ऐड कर दिया तो ये मुझे मिल गया 12। ठीक है, अब ध्यान रखना ये जो 4 है ये नंबर हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्वायर के टर्म में चल रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो 4 तो आप ऐड कर रहे हो, आप ये भी देख लो कि मैं 2 स्क्वायर भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा माइंड में सोच के चलना। अब देखो यार 12 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 12 इंटू 3 36 हुआ, 36 में कितना जुड़ेगा, 36 के बाद में यहाँ पर ऐड हो रहा है 6। ठीक है, तो यार 6 अगर आप जोड़ोगे तो डायरेक्टली नंबर यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, 42 और ये 36 और 6 42। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 6 ऐड होकर 42 ही बन रहा हो। अब देखो 42 से 196 आप कैसे बनाओगे, ये एक बार माइंड में सेट कर लेना। देखो अगर आपका ये 42 है तो अगर आप यहाँ पर 2, 3, 4 करोगे तो देखो 42 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 4 इंटू 4 160, 168। और 168 में आप कितना जोड़ोगे, 4 और 2 6 8 जोड़ोगे तो आपको 196 तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हमें कुछ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज यहाँ पर ये करना होगा कि ऐसा है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने 12 इंटू 3 किया 36, तो हो सकता है कि यहाँ पर जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 स्क्वायर मिलाकर 4 जोड़ा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 तो नहीं ऐड हो रहा है 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 45। हो सकता है इस 42 को रॉन्ग मानकर हम इसकी जगह 45 करके देखें। तो अब देखो 45 से क्या 96 बन रहा है, एक बार ट्राई करो। 45 2 3 4 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 ऐड होगा। तो देखो 45 इंटू 4, 4 इंटू 4 160, 5 इंटू 4 ये हुआ 20, तो ये हुआ 180, 180 प्लस 16 196। तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया, इंटू 2 प्लस स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इंटू 3 का स्क्वायर, इंटू 4 का स्क्वायर। आगे आप ये देखो कि जो आपको रॉन्ग नंबर मिल गया तो एक बार 196 से देख लो 1005 बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपने क्या किया, 196 इंटू 5 कर दिया, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, तो देखो अगर आप 200 इसको मान ले तो 200 इंटू 5 करोगे 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 4 केवल कम है 200 में से, तो 20 और कम कर दो कितना हो गया 980, 980 प्लस 25 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1005। तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि जो नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आपको ऐड करना है। तो 42 जो है ये रॉन्ग है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, 45 आपका आना चाहिए। इतना आ गया समझ में। चलो एक बार और रॉन्ग वाले को यहाँ पर देखते हैं, नंबर 3 को। देखो 3 को सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो, 2 है, 8 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है, इसके बाद में 56 है, यहाँ पर रॉन्ग नंबर कौन सा होगा ये चेक करना। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहूँगा, वो ये होता है कि जब आप किसी सीरीज को सॉल्व कर रहे होते तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में पैटर्न ना मिले, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में एक पैटर्न आपको मिलना चालू हो जाएगा। अब जैसे देखो 2 है, 8 है, तो अगर मैं 8 में से 2 को लेस कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर छोटे छोटे हैं तो डिफरेंस लेकर काम चल सकता है, 8 में से 2 गया बचा 6, 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, 20 में से 12 गया कितना बचा 8 बचा। तो अभी आपने ये देखा कि ये पहले 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हो गया, तो अभी आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो ये आया डिफरेंस 10, यहाँ बढ़ोगे आ गया 12, और यहाँ बढ़ोगे कितना आ गया 14। तो आप देखो यहाँ तक 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14। ठीक है, तो ये 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर नंबर होना चाहिए था 6, यहाँ पर नंबर होना चाहिए था 4, तभी तो देखो 4 और 2 6 और 6 और 2 8। ठीक है, ये लॉजिक रहता। तो अभी आपने ये देखा कि ये 8 जो है ये किसकी वजह से बना है, एक तो 12 की वजह से बना है और 20 की हेल्प से 8 बन रहा है, तो 8 में तो गड़बड़ नहीं है, नंबर कहाँ पर ये वाला चेंज होगा। अगर आप इस नंबर को चेंज करके यहाँ पर 6 बनाओगे तो फिर इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस 8 नहीं आएगा, तो 8 तक तो आपको कोई छिड़खानी नहीं करनी, यहाँ पर केवल इसमें छिड़ना है नंबर में। अब इस 8 और 12 में डिफरेंस ले हमें 6 मिल जाए, तो हम क्या करें, इस 8 को काट कर इसकी जगह 6 रख देते हैं। देखो 6 और 12 का डिफरेंस लिया तो 6 मिल गया, और 2 और 6 का डिफरेंस लिया तो 4 मिल गया। इसका मतलब जो 8 लिखा था ये तो हुआ रॉन्ग, इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा 6 जो कि राइट है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने इस वाली सीरीज को जब दोबारा रीड किया तो हमने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई यहाँ पर कर ली। फोर्थ वाले क्वेश्चन में एक बार क्विकली देखते हैं कि क्या यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा है 32 और 16, 24, 65, 210 और 945, और लिखा है 5197.5। ठीक है, तो यार एक बार देखो क्या यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले आपके माइंड में जैसे ही आप 32 और 16 को देख रहोगे तो आपको क्या लग रहा होगा कि इसका तुरंत ये हाफ हो जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 32 में 0.5 की मल्टीप्लाई कर दी, मुझे मिल गया 16। ओके, अब देखो 16 से 24 कैसे बन रहा है,
अब 16 से 24, देखो 24 को आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको 16 दिया है तो आपको 24 को क्या लिखोगे, 16 प्लस 8 लिखोगे, तो 16 तो पूरा पूरा हो गया और 16 का हाफ है 8। तो अगर मैं कह दूं कि 16 में अगर मैं 1.5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 24 मिल जाएगा, ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। तो 16 से 24 कैसे बन रहा है, 1.5 करने से आपको 24 मिल गया। तो अभी तक ठीक चल रहा है, आगे देखते हैं 24 से 65 कैसे बनेगा। ओके, तो आपने क्या करा, 24 में इन द सेम पैटर्न 0.5 1.5, अब रख दो 2.5। तो देखो 24 इंटू 2 कितना हुआ 48, और 24 इंटू 0.5 प्लस 12, तो 48 और 12 कितना आएगा 60 आएगा, दिया कितना है 65। तो हो सकता है कि 65 गलत हो और 60 सही हो। तो आप देखो 60 से क्या 210 बनेगा, अगर बन जाएगा तो 65 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 60 से। ठीक है, अब देखो यहां पर 60 में क्या करोगे, 0.5 1.5 2.5 3.5, ठीक है इतना हम कर देंगे। तो देखो 60 इंटू 3 ये हो गया 180, और 60 का अगर आप हाफ करोगे 0.5 करके तो 30, 180 प्लस 30 कितना आ गया 210 आ गया। तो यहां पर ये श्योर हो गया कि 65 जो है ये रॉन्ग हो गया आपका, और 60 इसकी जगह पर आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है यार। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी तक आप लोगों के क्वेश्चंस ठीक निकले होंगे। चलो एक बार इस नंबर 5 को एक बार ट्राई करो, इसमें लिखा है 7 13 25 49 97 194 और 385। तो नंबर बहुत मार्जिन से नहीं, यूज तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, आपको क्या करना डिफरेंस ले लो, हो सकता है काम आपका हो जाए। 13 में से 7 को लेस किया बचा कितना 6, 25 में से 13 को लेस करोगे कितना बचेगा 12, अगर आप 49 में से 25 को लेस करोगे कितना मिलेगा, ये मिलेगा 24। ओके, अब आप ये देखो 6 है 12 है 24 है, तो ऑब्वियसली यहां पर कितना आएगा 48 आएगा, यहां पर कितना आएगा 96 आएगा। अब ये डिफरेंस देख लो सही चल रहा है क्या, ये देखो 49 में अगर आप 48 जोड़ोगे 97 ठीक आ रहा है, 97 प्लस 96 देखो 7 और 6 होता है 13, तो यूनिट प्लस 3 आएगा, यहां पर आ रहा है 4, तो गड़बड़ किस में 194 जो है ये रॉन्ग हो गया। अब आएगा नंबर क्या, इन दोनों को ऐड कर लो, 7 और 6 13, 9 और 9 18 और 1 19, तो 193 आना चाहिए 194 की जगह पर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलो आगे नेक्स्ट जो है मिसिंग सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें एक वैल्यू मिस होगी और उसमें ऑप्शंस दिए होंगे, आपको वो क्वेश्चन फाइंड करना होगा। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं, मैं क्वेश्चन आपको भी यहां पर सॉल्व करने को दूंगा। पहले आप ये देख लो, लिखा है 8 11 20 47 128 और x। ठीक है, अब आप ये देखो 8 है इससे 11 बनाए, 47 से 128 बनाए, तो अगर आप डिफरेंस लेकर करते हो तो देखो क्या कोई सर्टेन पैटर्न पड़ रहा है, क्योंकि डिफरेंस भी मेजर आएंगे यहाँ पर, माइनर डिफरेंस नहीं आएंगे। आप ये देखो कि अगर आपने 8 और 11, 11 माइनस 8 लिया तो 3 मिलेगा, 11 और 20 का डिफरेंस लिया तो 9 मिला। अब देखो 3 का मल्टीपल चल रहा है अभी तक, तो इतना मुझे मिला है 20 और 47 इसमें मिलेगा 27, तो देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, तो मैं ये कह सकता हूं ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 3 चल रहा है। आगे देख लो 128 और 47 ये मिलेगा 81 जो कि होगा 3 की पावर 4, तो आगे आएगा 3 की पावर 5। ठीक है, 3 की पावर 5 कितना होता है 243 होता है, तो यहां पर आप ये देखो 128 में अगर आप 243 को ऐड करोगे 128 और 243। ठीक है, ये अगर आप इसमें ऐड करोगे कितना जाएगा 8 3 11 1 4 2 6 1 7 2 और 1 3, 371 आ गया। तो राइट प्लेस ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए खुद से देता हूँ, आप इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको सेल्फ सॉल्व करके नीचे रिप्लाई करो कमेंट में कि इसका आंसर क्या निकल कर आया। ठीक है, जिन लोगों का आंसर 246 आ जाए यार, वो प्लीज रिप्लाई कर दें कि हाँ मेरा आ गया, और अपना लॉजिक लिख दें कि इस तरीके से मैंने किया। कभी कभी दोस्तों ये भी हो सकता है कि मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हो सकता है कि उससे बेहतरीन लॉजिक आपके माइंड में क्रिएट हो जाए, तो यार प्लीज उसको शेयर जरूर करा करिए कमेंट में। ठीक है, चलो 7 को अब मुझे यहाँ पर विद लॉजिक के साथ यहाँ पर आंसर देना, सब लोग लॉजिक जरूर लिखना। ठीक है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। देखो 8 में क्या लिखा है, 342 337.5 328.5 और 315, यहाँ डेसिमल वाला पंगा है, तो चलो देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम एक बार डील करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यार 342 से स्टार्ट हुआ और 297 तक ये वैल्यू गई है, तो डिफरेंस ले लो शायद आपको कुछ यहाँ पर मिल जाए। 342 में से 337.5 को अगर मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 4.5। देखो 342 में से 337 को लेस कर दोगे 5 होगा, 5 में से 0.5 लेस कर दो 4.5 हो गया।
ओवरऑल करना है कैलकुलेशन। 337.5 में से 328.5 लेस करोगे, ये पूरा पूरा 9 हो जाएगा। ठीक है, 28 और 9 37 होता है, दोनों साइड 0.5 दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब आप देखो 328.5 में से 315 को अगर आप लेस करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 13.5। ओके, अब 4.5 था, ये 9 हो गया, तो इतना तो पता चल गया, ये इंटू 2 हो गया। अब ये 13.5 क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 4.5 से ही ये बन रहा हो, तो मे बी चांसेस है अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 × 4 = 12 और 3 × 0.5 ये हुआ 1.5, तो ये हुआ 13.5। तो अभी ठीक चल रहा है। आगे आप देखो इसमें से डिफरेंस लोगे 315 में से 297, तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 18। तो देखो 4.5 में अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 4 16, 4 × 0.5 ये हुआ 2, तो 16 + 2 हो गया 18, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। आगे अगर आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखते हो तो इनके बीच में आप ये देखना कि क्या पैटर्न आपका चल रहा है। बेसिकली यही सेम रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई किसकी होगी, इंटू 5 की हो जाएगी, तो 5 × 4 = 20 और ये 5 × 0.5 ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 22.5 टोटल। तो 297 और ये नंबर कितना है, 22.5। अभी हो क्या रहा था, 315 में से इसको मैंने 18 को लेस करा था तब आया था, तो 297 में से 22.5 को आपको लेस करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ऐड मत कर देना, ये तो गलती हो जाएगी यहाँ पर। तो 297 में से 22.5 लेस होंगे, कितना बनेगा, 274.5 आएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 9 वाले क्वेश्चन पर। देखो इसमें लिखा है 161, 164, 179, 242, 497 और x, ये फाइंड आपको करना है। आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखना कि क्या लिखा हुआ है, 161 से 164 है, फिर 497, मतलब कि नंबर जो है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि लेवल 1 और लेवल 2, दो लेवल में आपको डिफरेंस लेना पड़ जाता है, तो वैसे ही कुछ कुछ शायद यहाँ पर देखने को मिल जाए, क्योंकि हम नंबर का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनर है, यहाँ पर भी ठीक है, धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखो 164 में से 161, अब यार एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, आप कहोगे जैसे आपका नंबर 2 था, 4 था, फिर यहाँ पर 32 हुआ, फिर यहाँ पर 194 हुआ, फिर यहाँ पर 4000 हो गया, तो देखो यहाँ पर डिफरेंस आपका काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस हम ले सकते हैं। 164 में से 161 को लेस करोगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3। 179 है, इसमें से 164 को लेस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ गया 15। 242 में से 179 को लेस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, में से 9 गया 3, 23, 17, 6 आ जाएगा। यहाँ पर लोगे 497, इसमें से 242, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 255। ठीक है, आगे थोड़ा सा डिफरेंस लेते हो तो ये कितना है, ये आगे हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखो 3 है, 15 है, 63 है और 255 हो गया। अब आपको कोई लेवल समझ में नहीं आ रहा, तो ये लेवल 1 हो गया, मतलब कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं आ रहा, 3 से 15, 63, 255 कैसे हुआ। आप एक बार इनके डिफरेंस का डिफरेंस ले लो, 15 में से 3 गया बचा 12, 63 में से 15 गया कितना बचा, 48। ठीक है, अब यहाँ पर 255, इसमें से 63 को लेस कर दो, 255 - 63 ये हो गया 192। अब यहाँ पर क्या हुआ, 12 × 4 48 हुआ, 48 × 4 192, तो ऑब्वियसली जो अगला नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इंटू 4 होगा, तो 192 × 4 अगर आप करते हो, देखो 200 × 4 800 हुआ और 8 यहाँ पर कम है 200 में से, तो 32 और कम कर दो, तो कितना हो गया, 768 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखना कि 63 और 192 ये ऐड हुए थे यहाँ पर, तो 255 + 768 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखो, 255 और 768 ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 1023, 1023। ठीक है, अब आप देखो अगला नंबर क्या होगा, ऐड हो रहा है, 242 + 255 ऐड होकर 497 आया, तो यहाँ पर 497 और 1023 ये ऐड हो जाएगा, 7 × 3 = 10 और 9 × 2 = 11 और 1 = 12 2 4 + 1 = 5 = 15 = 20 आ गया, रिजल्ट दिया हुआ है, ये आपका सही लॉजिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर इसका और भी कोई शॉर्ट आ रहा हो माइंड में यार, जरूर शेयर कर दो। ठीक है, नंबर 9 के लिए 10 वाले क्वेश्चन को एक बार देखो क्या दिया है, 239, 254 और 284, 344, 464। चलो जल्दी से मुझे इसका रिप्लाई करो कि क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आया, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए जरूर यहाँ पर छोड़ूंगा।
ठीक है। अब इसका सही जवाब जो है वो आप कमेंट में जरूर रिप्लाई कर दें। वैसे इसका जो आंसर है, अगर जिन लोगों का 704 आ जाए वो जरूर रिप्लाई कर दें कि हाँ मेरा 704 आ गया, ठीक है। और साथ में अपना लॉजिक जरूर यहाँ पर शेयर करें कि आपने क्या पैटर्न बनाया, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों, आरआरबी पीओ के प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, उनको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं था, ओवरऑल एवरेज जो पैटर्न चल रहा है वही था। ओके, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5, 28, 47, 64, 77 और x। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 5 है, फिर 28 है, फिर 47, 64, 70, तो डिफरेंस ले लो। 28 में से 5 गया 23, 47 में से 28 गया 19, 64 में से 47 गया 17, 77 में से 64 गया 13। तो देखो 23, 19, 17, 13, तो देखो 13 और 4 17, 17 2 19, 19 4 23, ऐसा भी हो सकता है कुछ। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 और 2 13, 13 4 17, 17 और 2 19, 19 4 23, ठीक है। तो देखो एक तरीके से हम प्राइम भी कह सकते हैं, यहाँ पर 11 था, इसके बाद में 13 आया, फिर 13 के बाद 17 होता है, फिर 19 होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर 23 होता है। तो ये प्राइम नंबर भी चल रहा है और इस फॉर्मेट में 2 और 4 का गैप भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स का रिजल्ट कितना है यहाँ पर देखो, जब डिफरेंस आया 11, ओके, 64, 17, 13, 17 और यहाँ पर आएगा 11, तो 17 में से 11 आपको देखो 64 था, इसमें 13 ऐड किया 77 आया, तो आपने 77 में 11 ऐड करोगे 77 प्लस 11, तो यह आपका कितना आया 88, तो रिजल्ट कितना बन गया 88 बन गया, ठीक है। डिफरेंस निकालने के बाद ऐड भी करना आपको पड़ेगा, ठीक है। जैसे 5 और 23 28, 28 19 47, तो वैसे ही 77 और 11 आपका 88, ठीक है। नंबर 12, देखो 12 में क्या पैटर्न चल रहा है, एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड, 15 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 6 है, 4 है, 5 है, 11 है, 39 है और x है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो ध्यान ये देना आपको कि आपको 6 से 4 बनाना है, 4 से 5 बनाना है, 5 से 11 बनाना है। यहाँ पर आप डिफरेंस लोगे तो देखो 11 और 39 का डिफरेंस कितना आएगा, 28 आएगा। यहाँ पर डिफरेंस 6 में से 4 को अगर आप लेस करते हो तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में से 5 करोगे तो आपका कितना आएगा, माइनस बनाएगा, तो डिफरेंस से हमारा काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। कुछ हमें और लॉजिक सोचना होगा, कुछ मल्टीप्लाई समथिंग तो नहीं चल रहा, ये और देखते हैं। 6 से 4 अगर आपको बनाना है तो 6 × 1 6 कर दिया, अब माइनस 2 कर दिया तो मुझे 4 मिल गया। आगे मैंने क्या किया, 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 × 2 8, इस बार मैंने माइनस 3 कर दिया तो मुझे 5 मिल गया। तो अभी तक देखो 4 और 5 आपको ठीक मिल गए, क्या 11 भी मिलेगा सेम लॉजिक से, 1, 2, 3, 15, 15 − 2, 3, 4, तो ये मिल गया 11। आगे देखो 11 में अगर मैं 1, 2, 3, 4 करता हूँ, माइनस 5 करता हूँ, तो 44 में से 5 गया, 39 मिला, तो लॉजिक ठीक चल रहा है। अब आगे क्या होगा, 39 × 5 − 6, तो देखो 40 × 5 ये होता है 200, और 5 और कम कर दो 195 हो गया, 195 − 6 करोगे 189। ऑप्शन देख लो यहाँ पर मिल गया, ये आपका सही जवाब बन गया, ठीक है। तो यार इस तरीके से भी पैटर्न फॉलो होता है, तो रिवीजन इतना कर लो, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि ये पैटर्न आपके माइंड में सेट हो जाए। चलो देखते हैं इस 13 नंबर वाले क्वेश्चन को एक बार। इसमें लिखा है 15 और 16 और 34, 105 और x। चलो यार इसका रिप्लाई दो मुझे, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कि कैसे लगाए। देखो देख लेना कि नंबर का डिफरेंस लेने से हमें यहाँ पर मिलेगा या फिर मल्टीप्लाई करने से मिलेगा या फिर मल्टीप्लाई प्लस करने से मिलेगा। रिप्लाई करो कमेंट में और इसका आंसर मुझे बताओ कि क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर 4 to 4 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, अपनी अप्रोच लॉजिक जरूर शेयर करना कि आपने क्या यहाँ पर लगाया, ठीक है। और नंबर 14 क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। देखो इसमें लिखा है 89 और 88, 85, 78, 63 और x यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यार ये क्या लॉजिक चल रहा है, नंबर बहुत ही कम रेंज में इंक्रीज हो रहा है, 89 में से 88 को लेस कर दिया, एज्यूम कर लो तो आपका आ गया 1, 88 में से 85 को लेस कर दिया कितना आ गया 3 आ गया, 85 में से 78 को लेस कर दिया 7 आ गया, और 78 में से 63 को लेस किया आ गया 15। तो देखो 1, 3, 7, 15, तो आपको क्या लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। देखो 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, तो देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल क्या आ गया 16 यहाँ पर हो जाएगा, तो 15 और 16 कितना हो गया 31 आ जाएगा यहाँ पर। डिफरेंस जो है इन दोनों में 31 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर माइनस हो रहा है, वैल्यूज जो है लगातार कम हो रही है, ठीक है,
ये चीज आपने गौर किया, 78 में से 15 को लेस किया तो 63 मिला, तो 63 में से 31 को लेस करो, 63 माइनस 31, तो ये कितना आ गया 32। तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई 32। यही लोग गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर ऐड करने में, कभी वो लोग ऐड कर देते हैं 63 प्लस 31, वो कहेंगे इसमें नहीं मिल रहा है, नन ऑफ दिस मार दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। 32 पर आपको जाना है और चेक करना है अच्छे से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का और ये है नंबर 15, इसको देखो, इसमें दिया है 190 194 42 x और 4, इस x को फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑप्शन आपके लिए और दे दे रहा हूँ, ऑप्शन है आपका 8 7 10 12 और none, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉजिक आपका क्या लग रहा है, एक बार बनाओ अपने आप से लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। 190 है, 94 है, 46 है, 22 है, तो जब आप इन नंबर को एक बार गौर से देख रहे हो तो आपके माइंड में एक कैलकुलेशन आ रही होगी, देखो यार ये 22 से 46 तो कहीं नहीं बन रहा है, 46 से 94 तो नहीं बन रहा है, 94 से 190 नहीं बन रहा है, इन द सेम वे x से 22 भी बन जाएगा। तो देखो 22 से 40 कैसे बन रहा है, 22 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 44 प्लस 2 कर दूँ तो मिल जाएगा। अब अगर मैं 46 में भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 92 प्लस 2 कर दूँ तो ये भी मिल जाएगा 94। 94 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर 2 ऐड कर दूँ तो मुझे 190 मिल जाएगा, 94 × 2 = 198 और + 2 = 190। तो आप देखो x से 22 बनेगा इन द सेम वे, तो x में भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 करेंगे, रिजल्ट कितना मिलना चाहिए 22। तो अगर x इंटू 2 कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 22 माइनस 2, ये हो गया 20, और x की वैल्यू निकालोगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x कितना आ गया 10 आ गया, तो यहाँ पर मिल गया 10। अब आप देखो 4 × 2 8 + 2 = 10, तो बिल्कुल लॉजिक सही चल रहा है, तो x की जगह पर क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो यार जिन लोगों का 10 आ गया बहुत बढ़िया, आप लोग अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि जो ये 15 क्वेश्चन थे इसमें आपके कितने सही निकले, और दूसरी चीज क्या है, जो रॉन्ग नंबर आपने सॉल्व किए 5, उसमें से आपके कितने ठीक निकले, क्योंकि रॉन्ग नंबर में जो रेशियो होता है वो थोड़ा कम होता है। मिसिंग वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है 10 अगर मैंने डिस्कस किए, तो जिन लोगों के अगर 8 ठीक निकले तो यार उनका लॉजिक ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दे रखी है, इसको एक बार देख लो यार, और कोई डाउट हो पूछो उसको वीडियो में, और नीचे यहाँ पर और भी वीडियोज दे रखी है, और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।